कहानी नंबर 126, उत्तम त्याग। एक बार एक साधु और उनका शिष्य दोनों धर्म प्रचार के लिए गांव-गांव घूमते थे। वे दोनों कुछ दिनों के लिए एक नगर में ठहरे। गांव वालों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और दान दक्षिणा भी दी। कुछ दिन वहां रुकने पर एक दिन साधु महाराज ने वहां से चलने का निर्णय किया तो शिष्य ने कहा कि यहाँ कुछ दिन और रुकते हैं, यहाँ दान दक्षिणा ज्यादा मिलती है, कुछ दिन और रुकने से ज्यादा धन इकट्ठा हो जाएगा। साधु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, हम तो त्याग के पथ पर चलने वाले लोग हैं, हमें रुपये पैसे से क्या मतलब। और उन्होंने शिष्य को वही सब कुछ छोड़कर चलने का आदेश दे आगे बढ़ गए। बावजूद इसके शिष्य ने कुछ रुपए अपने झोली में छुपाकर रख लिए। आगे बढ़ने पर उन्हें एक नदी मिली। नदी पार कराने के नाविक ने उनसे 2 रुपए मांगे। साधु के पास तो कुछ था नहीं और शिष्य के पास पैसे होते हुए भी वह गुरु के डर से चुप रहा। रात होने को थी। नाविक बोला, रात में यहाँ रुकना खतरनाक है। यह सुनते ही शिष्य ने झोले से पैसे निकाले और जल्द नदी पार कराने के लिए कहा। नाव में बैठते ही शिष्य ने सफाई देते हुए कहा, देखा गुरुजी, आप तो त्याग की बातें करते हो। यदि मेरे पास पैसे ना होते तो आप नदी भी पार नहीं कर पाते और आप कि संसार को पार करने का उपदेश देते हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह नदी तुमने पैसे को संभाल कर रखने पर नहीं बल्कि उन पैसों के त्याग करने पर ही कर पाई है। जब तक पैसे तुम्हारे झोले में थे तुम किनारे पर ही थे। जब झोले से पैसे निकाल कर तुमने उनका त्याग किया तभी नदी पार कर पाए। यही बात संसार सागर की है। जब तक वस्तुओं का संग्रह करके रखेंगे तब तक संसार के किनारे पर ही पूरा जीवन निकल जाएगा। संसार सागर को पार करने के लिए तो सब कुछ त्याग करना ही पड़ेगा और संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना ही उत्तम त्याग धर्म है। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। आपने इस कहानी से क्या सीखा यह हमें कमेंट कर अवश्य अवश्य बताएं। आपका ये छोटा सा प्रोत्साहन ही हमें आपके लिए और कहानी बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपने ये कहानी अंत तक देखी अतः आपका हृदय से बहुत बहुत आभार।